अरे सिकंदर भैया केक का ऑमलेट बना दो आज। देखिएगा केक का ऑमलेट तो नहीं बनाऊंगा मगर अंडों का केक बना के दिखाऊंगा आपको, और वो भी ऑमलेट के अंदर। ऑमलेट की चार वेराइटियाँ और उसको अच्छी तरह केक के अंदर सर्व करना और स्वाद के सिकंदर का जादू। आइएगा चलते हैं स्पेशल केक वाला ऑमलेट तैयार करने। कर दे भैया स्टार्ट फिर। देखिएगा स्टार्ट तो करना पड़ेगा, बनाना है केक तो पहला फ्लेवर, क्योंकि ये चार फ्लेवर में बनेगा और कैसे तैयार होगा। आइएगा चलते हैं और उस केक को तैयार करते हैं। देखिएगा चार मक्खन की टिक्की भी कट चुकी है और कैसे वो तैयार होगा केक और चार फ्लेवर। आइएगा चलते हैं। देखिएगा क्वार्टर मक्खन डल चुका है। ये आ गया भाई, एक अंडा, दो अंडा। देखिएगा अंडे तो बहुत सारे गिनने पड़ेंगे आपको, क्योंकि मैं आज अंडों की गिनती नहीं करूंगा। आज मेरा एक्सेप्ट केक का है और केक आज आपको कैसे बना के खिलाना है। और चार फ्लेवर अलग अलग डलेंगे और चारों फ्लेवर पे आपने गौर करना है। पहला ऑमलेट, दूसरा फ्लफी ऑमलेट, तीसरा हाफ फ्राई। आइएगा चलते हैं उस चीज़ के ऊपर जिसे कहते हैं स्पेशल केक। और जब तक दूसरा फ्लेवर बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ अंडे, क्योंकि वो तो सिक रहा है, क्योंकि वो पहला फ्लेवर है। हम तो आज आपको केक खिलाएंगे और केक कैसे बनेगा आइएगा कोशिश पूरी करेंगे, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई चैलेंज लिया नहीं और आपका चैलेंज बड़ा तगड़ा है और मिलने पूरे 10,000 हैं, तो मैं ज़रूर मेहनत करूँगा ऐसे चैलेंज के लिए, तो मैं खड़ा रहता हूँ। और आप तो चैलेंज के लिए माने हुए हैं कलाकार, मैं तो बहुत छोटा सा काम, कहते हैं हुनर है, बाबू जी का आशीर्वाद है, और उसी हुनर में आज आपको मैं खिला रहा हूँ स्पेशल केक वाला ऑमलेट। देखिएगा ये दूसरा फ्लेवर है, और दूसरा फ्लेवर मेरा फ्लफी बड़ा अच्छा हुआ था, मगर उसको केक के अंदर एक्सेप्ट करना और बड़ा प्यारा सा बनाना। आइएगा उस स्वाद की साइड चलते हैं। देखिएगा हमारा पहला फ्लेवर सिख रहा है और अच्छी तरह इसको फ्राई कर रहा हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि ये हमारा बेस है और बेस के अंदर क्या क्या लगेगा और कैसे चला जाएगा। आइएगा चलते हैं। देखिएगा बहुत सारी क्रीम आपने हमेशा खाई है, मगर अंडों की क्रीम के अंदर कैसा कैसी चीज़ें बनती हैं और कैसे कैसे फ्लेवर तैयार होते हैं, ऐसे कुछ जायके हैं स्वाद के सिकंदर के। और भैया कह रहे हैं ये तो क्रीम केक वाली तैयार कर दी, आप केक ही तैयार कर रहे हो क्या कर रहे हो, मगर ये जायका है स्वाद के सिकंदर का, तो कैसे नहीं बनेगा ये ऑमलेट। देखिएगा केक का दूसरा भाग और वो कैसे बनेगा, आइएगा चलते हैं। ये लो जी भाई, ओह तेरी क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा भाई स्वाद के सिकंदर है, अंडों के सिकंदर है हमारे भाई साहब सिकंदर जी। देखिएगा ये ऐसे दो बेस बनने हैं और उसमें भी कैसे तैयार होगा, आइएगा चलते हैं, मगर बनेगा बड़े आराम से और ऐसे ही प्यार से मैं बनाता हुआ आज केक को नज़र आ रहा हूँ। और क्योंकि भैया ने कहा कि नहीं केक अंडे को नहीं बन सकता, मैंने कहा आज बड़ा केक भी बनाएंगे, आज पूरे बाजार वालों को भी खिलाएंगे या आपके पूरी फैमिली को या मेरी फैमिली को। आइएगा स्वाद की ओर चलते हैं और कैसे वो केक को तैयार करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है, और जायके के और कैसे बढ़ना है। ये प्याज, ये मिर्चें, टमाटर, ये धनिया। देखिएगा ये पहला फ्लेवर है और इसके अंदर अभी क्या क्या डालना है ये भी आपने गौर करना है। क्या बात है, ये बाबूजी की चुटकी मसाले की, अभी ये बिल्कुल सीधा उतरेगा और हल्की सिकाई पे सेका जाएगा। और जब तक दूसरा एक और बेस और बनाते हैं, क्योंकि केक बनना है तो केक वाला पूरा आइडिया देना और उस जायके की ओर चलना। आइएगा दूसरे फ्लेवर की ओर चलते हैं। बिल्कुल जी। अब भैया ये सोच रहे हैं कि सिकंदर भैया क्या बना के आएंगे। और तेरी तहलका ऑमलेट है। देखिएगा ये बिल्कुल केक की तरह तैयार होता है और केक की तरह ही ऐसे ही मैं बनाता हूँ इसको, और कैसे ये केक की तरह पूरा तैयार होगा आइएगा चलते हैं। और दूसरा फ्लेवर आपके लिए तैयार करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ब्रेड लगाई, फिर दो अंडे का एक ऑमलेट रखा, और उसके बाद क्या क्या लगेगा आइएगा उस चीज़ के ऊपर चलते हैं और केक को करते हैं तैयार। देखिएगा केक बनाना है, भैया सोच रहे हैं क्या होगा, भैया क्या चल रहा है, आइएगा चलते हैं और इसको करते हैं रेडी। ये लो भाई, देखिएगा आज क्या क्या बनेगा, स्वाद का सिकंदर कहाँ तक चलेगा। और फिर इसके अंदर लगाते हैं एक एक ब्रेड, ऐसे ही मैं दो ऑमलेट जैसे पहला बनाया है वैसे ही मैं बना रहा हूँ, और फिर बनाऊँगा एक हाफ फ्राई, फिर ऊपर रखेंगे और फिर काटेंगे आज। हैप्पी बर्थडे टू यू। लो भाई दूसरा भी यहाँ पे एकदम बढ़िया मिक्सर तैयार है, और लो भाई दूसरा यहाँ पे मिक्सर आ गया है। देखिएगा दूसरा केक तैयार हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ आज मैंने केक के रूप में बनाना है और कैसे वो तैयार होगा अंडों का केक। आइएगा चलते हैं। और अब क्या गया, देखिएगा केक लगाना है तो क्रीम भी चाहिए और केसर भी चाहिए, हमारे यहाँ इसको केसर बोलते हैं, क्योंकि ये बड़े प्यार से बनाई जाती है और ऐसे ही ये तैयार होती है। इसके अंदर अब और क्या क्या डलेगा आइएगा चलते हैं, और इस केसर को भी लगा ही देते हैं। क्या बात है भाई,
देखिएगा कितने फ्लेवर आ रहे हैं। आपने गौर करना है और अंडों का केक तैयार करना है, या तो केक बनेगा या आज ऑमलेट और बड़ा प्यारा सा केक आपके लिए सर्व करेंगे। मेरे ख्याल ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया होने वाला है, आज तक किसी ने भी अंडों का केक नहीं बनाया होगा। देखिएगा मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, और स्वाद का सिकंदर अलग अलग जायके दिखाता है, अपनी कला को दिखाता हूँ, और चाहने वाले यहाँ तक प्यार करते हैं और यहाँ तक मेरे को इतना प्यार दिया है, उन सब के लिए थैंक यू, क्योंकि मैं अपनी कला को अच्छी तरह पेश करना और फिर पेश करके अलग अलग जायकों में देना, ये मेरी कला है। आइएगा चलते हैं। लो भाई दूसरा बेस भी तैयार अंडे का। अभी भी दूसरा क्या, अभी दूसरी साइड सिकाई भी होगी, एक बार पलटा लगेगा और फिर आपके लिए केक को रेडी किया जाएगा। ये देखो भाई ये आ गया अपना हमारा, देखो ये तीसरा फ्लेवर भी रेडी हो चुका है। हाँ जी। और अब लगेगा चौथा फ्लेवर, वो है हाफ फ्राई का। चौथे फ्लेवर की ओर बढ़ने से पहले इसके ऊपर लगाते हैं जी क्रीम, क्योंकि ये जरूरी है कि अगर कोई भी केक बनता है तो बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें लगाई जाती हैं, म्यूनिस से लेके केक तक, और फिर थोड़ा सा डाला जाता है ऑर्गेनो। हाँ जी। देखिएगा मैंने डाल दिए, देखिएगा ये चौथा फ्लेवर बन रहा है, ये चार अंडे। अब आपका मन करेगा केक खाने का या नहीं, मगर मैं आपको ज़रूर खिलाऊंगा, मगर इसकी करूँगा अभी प्रेजेंटेशन। रजनीश भैया का बनाएंगे आज बर्थडे, क्योंकि भैया कह रहे हैं कि अक्सर मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बनाया, सिकंदर भैया के साथ नहीं केक खाया। आइएगा आज मैं और मिलके भैया पूरी पार्टी करेंगे यहाँ सीताराम बाजार वालों के लिए, मगर इसकी पैरिटेशन करनी है। थोड़ा सा और प्याज डाल देते हैं क्योंकि टेस्ट आना चाहिए, और थोड़ी सी मिर्चें, ये हल्का सा टमाटर, ये नमक, ये लाल मिर्च, और ये बाबूजी की चुटकी। देखिएगा मैं बहुत हल्के हल्के डाले हैं, और कैसे वो सर्व होगा, मेन चीज़ तो ये है कि अच्छी तरह फ्राई करना है और फिर लगाना है ऊपर इस केक को तैयार करने के लिए। थोड़ा सा और टेस्ट को बढ़ाते हैं। देखिएगा केक तैयार करना है और बड़ा मज़ा आना चाहिए, इसी फ्लेवर की ओर चलते हैं। लो भाई ये आ गया जबरदस्त सा हमारा, ये लो जी भाई। देखिएगा केक को रेडी करना है और पूरा प्रेजेंटेशन के साथ चलना है। क्या बात है। अब ये है अंडों का केक, और ये देखिए कैंडल्स भी आएंगी। देखिएगा बिल्कुल लगेगी, और जब आपने केक की बात करी है तो हम केक भी कटवाएंगे हम आपसे, और फिर कहाँ तक जाएगी ये केक, आइएगा चलते हैं। ये लीजिएगा तैयार है आपका स्पेशल केक। जी हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू राजेश भैया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो भाई ये देखिए पूरा पूरा केक तैयार कर दिया भाई साहब ने, और यहाँ पे आ चुका है, और आज इसकी कटिंग करनी है सिकंदर भैया। जी हाँ, मगर केक आप ही काटेंगे भैया, मैं नहीं काट पाऊंगा, और मैंने आपके लिए स्पेशल मंगाया है, और आप ही हैप्पी बर्थडे टू यू चलना चाहिए। क्या बात है। यस, कट कर दे। जी हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार ताली ये लीजिएगा स्पेशल अंडो वाला केक। तो भाई आपने खाया होगा अपने बर्थडे में केक शेक, पर ये जो है भाई ये है भाई साहब ऑमलेट का केक। तो आज चलो अपना बर्थडे मनाते हैं, ठीक है। कमेंट्स में भाई साहब सारे हैप्पी बर्थडे जो है ना आर यू हंग्री जरूर लिख देंगे। चलिए आइए टेस्ट करते हैं इसको कैसा होने वाला है। भाई जबरदस्त, एकदम स्पाइसी, ठीक है। बस आप इस केक को ना भाई साहब मुंह पे नहीं लगा सकते, और ये मीठा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। अगर आप भी एक स्पाइसी लवर है और अपने बर्थडे पे केक काट के थक गए, कुछ नया करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए ये ट्राई करने के लिए। बस आपको एक घंटे पहले आके इनको बताना पड़ेगा अगर आपको ये केक चाहिए तो, इसलिए भाई साहब ये वाला हम इन्जॉय करते हैं काफ़ी बढ़िया। तब तक आप ही पहुँचाइए अपने दोस्तों जिसका ये बर्थडे आने वाला है और ये केक वो काट सकता है, ठीक है। जब तक वाली वीडियो यहीं पेंड करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, शब खैर, लव यू, टेक केयर, गुड बाय।